आगे से आइस करते थे सर, जो आगे क्लास में मतलब कि एक मतलब बहुत ही नाइस टीचर, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, ठीक है, तो गाइडलाइन बहुत अच्छी देते हैं, मैथ बहुत अच्छा करता है, ठीक है, तो यानी कि आप सिर्फ मैथ पढ़ते हैं? हाँ जी मैथ सर, हाई मैथ के टीचर तो मैथ पढ़ेंगे और क्या करेंगे, ठीक है ना जी, और गुड सर, जितने अच्छे अल्फाज सर के लिए किए किए कहे जाए उतने कम है। बी एस सी में दो मैथ होते हैं, एक मैथ है एक मैथ बी, मैथ नहीं हमने कैलकुलस का मैथ किया था सर। अच्छा चलिए अच्छी बात, ठीक है, तो बी एस सी का मैथ सर साजिद ने जिस तरह करवाया उन्हीं की बदौलत पास किया, ठीक है, शायद अगर कोई और टीचर होता तो मुश्किल ही चांस था, ठीक है, तो सर साजिद का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था जिसकी वजह से हम पढ़ा चाहिए बस। और मजीद कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में? आपको जो दोस्त एक साल शायद पढ़ाया उन्होंने, यानी कि आपको एक साल उन्होंने पढ़ाया ऐसे ही है, तो मतलब कि एक साल आपका कैसा गुजरा उन्होंने? इन माय स्टडी एक्सपीरियंस आई वुड सजेस्ट कि एवरीवन नोस इज अ वेरी ग्रेट एंड इन अ प्रोफेशनल वे, उनकी टीचिंग स्किल जो है ना बहुत अच्छी है, वे ऑफ टीचिंग जिस लाइक एक मतलब ये होता है कि बच्चे को उठाकर लेकर चलना, जो कैलिपर होता है उस कैलिपर तक उस बच्चे को साथ लेकर चलते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली, तो उनका ये नहीं होता कि जस्ट लाइक एक टीचर होता है वो आया उसने पढ़ाया लेक्चर दिया और चला गया, वो वहाँ क्लास में तब तक अवेलेबल रहते हैं जब तक बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली तलीम जो है आगे फैलाने के लिए, तो इन अदर वेज मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर इन जैसा कोई टीचर मिल जाए इंसान तो वो कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं रह सकता। थैंक यू।